हेलो गाइस, सो सबैलाई हेप्पी न्यू ईयर है। अनि सो आज हम लोग यहाँ पर पिकनिक लाया था। हम लोग ज्यादा आदमी नहीं, अभी तो 3-4 आदमी और बाकी आएगा। अभी हम लोग यहाँ आगे में आग से चला निकल आया था और जगह देखने के लिए। सो गाइस, बिल्कुल नजदीकी रास्ते के और यहीं पर सामान वामान लेके आया है और लेके आएगा आधा, अभी लेने के लिए जाना पड़ेगा। सो अभी सुबह का हो गया है 8:30। तो मौसम कुछ इस तरह का है। हाँ, हम लोग तो कस लाग आज नया साल मानी झकास सहायक लगे अनि जो लकड़ी काट रहे। सो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं पिकनिक करने के लिए। सो गाइस मिलते हैं पिकनिक में। देखिए आप लोग सब नजारा इस तरह का है। आएगा राय कस लाग पिकनिक में आपको? हमको तो बहुत ठंडा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा है। हाँ, यंकी को मजा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो ये दारू पार्टी मस्त मस्त हो। नंदजू ठीक ठाक? एकदम ठीक ठाक। रात ही बैठे था बेटा नहीं गरम रातो उन्हें वो रातो नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुपदरा नहीं कस लाइक पिकनिक में नहीं लगे सो अनि तबेले मलाई एकदम राम लाग्यो छ। हामीले ये पूरा मस्त रहेछ नि तपाईहरुको तानी के हो यति मासु जब खाँच मासु तब भेट सासु रातो 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 यो के पयालो यहाँ पर यो के बनाउन खोजे प्रकृत मेन दुईजना शरमले हेर तलाई धुलाइ गर्छु क्या बोल रहा था यहाँ देख सकते अनि के खाँगा त काम गरेर पुरा लोक ठर दिँदो रहेछ त नि एकदम माले भए तेरो बापको मासु खाछ अनि यहाँमा चिकन भुटेछ यी रातो रातो तपाईँले भुटेको मन चिने रातो भइसकेछ यहाँ भौसी कस लाग्छ नि एकदम के मनाको यो चाहिँ गजब बेइज्जती है। ए पिकनिक खान आएको रहेछ खै बोल्ने नै लाजाउँछ सबैजना आफू मात्र हो बोल्ने त। अनि मालिक चाहिँ के बनाएको आमा के एक साथी त पुरै रातै बस्छ मालिक के गर थुक दिएको थियो क्या तामल खाएर गजब बेइज्जती है। ये देख सकते गाई अनि भाइले चिकन खाइन नखाएको के बनाउनु लागेको अब यहाँ चाहिँ राक्षी सो हामीहरूको चाहिँ पानी खातौँ भएछ कि अन्त पानी हिँड्नु गएको हामीहरू चाहिँ भाइ छ अनि म दुईजना मिलेर पानी हिँड्नु जानेछु। सो पानी छैन रहेछ पानी सोध पऱ्यो कि अब जानुहोस् पानी लिनु है हेर्नु है त एकदम लु यो छ भाइ यो छ पानी हिँड्छ छ याममा पानी हिँड्नु जानुपर्छ ढकनलाई पानी हिँड्नु टाढो जानुपर्छ कि यहाँमा पानी नभएर त्यहाँमा सो पानी नहुने ठाउँमा आएको कि हामीले चाहिँ पानी लिनु तलाई जानुपर्छ त्यही भएर बस बस तिमीहरू के गर्नु जाने बस चुल्ने यहीँमा जानु जरुरत छैन सो जानिस अब के साह्रो जाडो हो चलो
न त गाइस म चाहिँ गाडी चलाउनु पर्छ है ड्राइभ गर्नु पर्यो एकछिनपछि भेटौँला सबैलाई पानी लिन चाहिँ आउनुपर्छ है गाइस अब यहाँको हामीले पानी लाइन यही हो पानी लिनु आएको यहाँ भाइले थाप्दैछ पानी पानी त ठुलो छ नि गाडीमा लानुपर्छ पानी पनि टाढो भयो क्या पानी छैन त्यहाँमा पिकनिक खाने ठाउँमा त्यही भएर पिकनिक खानु नि अलिक टाढै आउनु पर्यो आफ्नै गाउँको मान्छेसँग मिलेर खाएको राम्रो हो होइन यसो गाइसो दारू सारू खाएर जाँदा हल्ला गल्ला गर्नुहुन्न अनि यो दारू दारू धेरै खायो भने राम्रो होइन आफ्नो सेहतको लागि पनि होइन धेरै खाऊ नखाने अलि अलिअलि खानु होइन इन्जोयको टाइममा खानुपर्छ अलिअलि त तर पनि खोइ हुन्छ नि ज्यादा खाएर कोही नालामा सुत्ने कोही कहाँ सुत्ने उल्टी गर्ने होइन त्यही भएर टर्नु हुन्न क्या गाडीको को को छ यो चाहिँ हाम्रो सानो भिलेज के गाउँ भनौँ न अब गाडी त स्टार्टै राख्दै जस्तो तेल ज्यादा भयो क्या मलाई भर्यो पानी ल त गाइस अहिले पिकनिक स्पटमा पुगेर भेटौँला पानी राखेको यहाँ आगेको सिन हेर्नु सक्छ तपाईँहरू नाचेर फुर्तीमा मास रहेछ चल 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 नाचेर देखाइदे न त आउँछ आउँछु पुरा है त्यहाँ नि नानीलाई हिँड्छ नानीलाई आमापट्टिको डान्स हेर्नु है आमा आमापट्टि नाच्दैछ आमा यो हाम्रो आमापट्टि नाच्दै होला ओहो बाजे दामी दामी यो चाहिँ आमा पार्टीको डान्स है त यो चाहिँ के हो दाल यो हो दाल यस्तै हुन्छ यसको हाल को यसको कुकमिन कुन त कहाँ ल ल यो चाहिँ ए भुटान चाख्ना रहेछ यो त यो चाहिँ के रहेछ हेरौँ न खाना यता चाहिँ के बनाएको त नि माछा माछा रेडी रहेछ पुरा फ्राई गरेर बिस्कारी को कुकमिन देखाऊ यता हेर हेर न कुकमिन खै यसको कुकमिन को यसको यसको अनि के के होला बनाउनु भयो त्यसमा के के होला बनाउनु भयो त्यसमा अनि हेर्दाखेरि हेर्दाखेरि त एकदम खानुमा लाग्दो खालको रहेछ नि नखाने नखाने त्यति साह्रो चाहिँ नगरौँ होला
भात न खान्छु होइन अनि मटन चाहिँ कहाँ बनाउनेछ मटन बनाउनु कहाँ कोई बात नहीं हम तो चूतिए है दोबारा ट्राई करेंगे ठीक तब काम पानी कुक मेन कसरी बनाए तो भाउजूले पानी सही अनि खै हाम्रो मटन त देख्दै देखेन त कहाँतिर बनेछ यो हो क्या मटन चाहिँ ए मटन रेडी चाहिँ रेडी रहेछ बुढो पाटेले मासु हो पुरा मासु आँटी क्या बुढो पाटेले वाह मजा त मजा लाग्दैछ पुरा एउटा प्रेसरको साथमा साइडमा एउटा उपर होइन हम कुत्तों से बात नहीं करते बाजे कस लायो तिमी बाजेको सिगरेट पिने स्टाइल हो यसरी पिन्नु पर्छ मान्छेहरू हेर्नु होला जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे लेकिन जीजा आप भी मिट के यहाँ एन्जॉय करो ना ना खत्म कर दिया आप खत्म कर दिया खत्म कर दिया जीजा इसलिए जीजा पूरा हुए ठीक ठीक क्या क्या मालिक गाना साना नहीं लगाते मालिक बहुत टेंशन है मालिक टेंशन है अच्छा यहाँ हेर्नु फिश करी बनाएको लिची पनि फटाहाल्यो बनाएको गाइस म तर यसको मासु यसरी नै गर्नुपर्छ होइन साथीहरू इन्जोय भनेको राम्ररी धेरै दारू पानी पिउनुहुन्न अनि कहाँ गएर आएको त बहिनीहरू र फोटो खिच्ने गएको होला अब बिज्ञानी बिहार पिन लाग्यो अब लाग्यो के गरे लिस्पा बच्चालाई बिहार दिन्छ गरम लाग्दैन सो मौसम चाहिँ साह्रै नै ठन्डा छ अनि हो क्या न सुमुद्री अनि एउटा लिन्छ सब भन्नु सेल्फी होइन भन्नु सेल्फी खिच्दैन के के भन्नु नि त हजुर पिकनिकमा आएर कस्तो लाग्यो त्यहाँ कुकमेन दिदी यहाँ छ राम्रो खाना बनाउनु चिकन करी बनाउनु चिकन अरे क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप फिस करी बनाउने त दामी बनाउँदा रहेछ के निजा कैसे लग रहा तो उधर में आके अच्छा नहीं लग रहा हाँ जीजा अच्छा नहीं अच्छा नहीं लग रहा मजा नहीं लग रहा अरे ऐसे मत बोलो ना क्या वीडियो बना रहे हैं नहीं नहीं भाई पिकनिक में आना कुछ लाग मजा अच्छा नहीं अब यहाँ हेलो शिवा के बताओ चे हिरोनी पार्टीहरू हिरो पार्टीहरू ओ हिरो पार्टी बोलो कुछ बोलो चाटा छुट्टी बोलो अहिलेसँग भेटौँला साथीहरू बिचरा मलाई त पुरा दुःख लाग्यो तिमीको यो दुःख हेरेर आए बिचरा खानेको धुलाउनेको बिचरा माया लाउँछ म त खोइ तर धुला न हाई हरियो कालिम्पोङ बर्बन धुला चाहिँ त्यहाँ खै बिचरा बहिनीहरू कोही खानेकोले धुलाउनेकोले दुःखै छ जिन्दगी त्यही त नि बिचरा बिचारी मस्काउने होला कि यो चाहिँ आस हामीले पनि सिकाउला यस्तो मस्काउनु लागि चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिङ के वजह खाने
चारा खाने को मस्कने को नाचने बाटो यहाँ से के सबैजना नाच्ने होला खत्म किया था कल क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप थोड़ी बदतमीजी कर रहे थे देखा आपने लापरवाही का नतीजा अपने फोन मार के मन से सके मेरा बात आलू भात हुन्छ अब यो गानामा अनि बिन्दुमु चाहिँ कहाँ भाग्नु भएको त ना नाचेर नि अबै सोनाको चेन देखाएर अबे साले जे माफ गर्न मेरो खै म त बिन्दुमु त पछि जानु पर्यो सोनाको चेन लगाएर बसिरहेछ खै त देखा न त सोनाको चेनहरू गरम लाग्यो मलाई त खै बिन्दुमु हेर न खै चेन चेन देखाऊ चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओभर एक्टिङ के बीच के भयो गाना त हो पैसा त नि के हो पैसा अनि त्यो तार चाहिँ यहाँ दिनुपर्छ बेटीबाट खतम भएको नि के भएछ ओ भयो भनेर चार्ज खतम सो चार्ज खतम भन्छ के यहाँमा चाहिँ हाम्रो नाच्ने पार्टीहरूको अब गानामा गाडी पनि लगा भने स्पिकर को चार्ज खत्म भैस के बजे हम हिरो नाच्ने बिगे नाच त कस्तो रे नाच नाच पैसा दिएर केक राख्दैन दाजुले कति दिनुभएको थियो 500 रुपियाँ दिएको पुरा पुरी त्यो केक छैन सरले पाउनुहुन्छ अनि पुरा रिसाएर बसिरहेछ केक होइन तैँले दुलाइसी भेट्छ अहिले तैँले दुलाइसी भेट्छ स्योर भेट्छ दुलाइसी 32 रुपियाँ छ तँलाई देखेर अबे साले जे माफ गर्नु म जो भिडियो कुरा मात्रै गर्छु त डर लाग्यो म डर लाग्यो कसलाई भन्नु होला बच्चा भनेर यो युट्युबरले चाहिँ पिठा खान्छ खाएर मर्दैछ त अहिले मासु भात खान्छ भात नदुले खान्छ फुलेर जाने मरेछ आज पुरा फुलेर जान्छ यो मान्छे नि अलिकति सुकेको छ आज बेलुका त मोटो हुने रहेछ म आज मोटो होइन त्यो डाइरी आजको पिकनिकको अर्गनाइजेसन चाहिँ यो मान्छे हो यो हेर्नु हाम्रो अहिले सबै हाम्रो माथा
भाषा दिँदैछ यहाँ खाना दिँदैछ आमा यो चाहिँ मटन हो अलिक कम्ती कम्ती हाल है सबै बिरेको न घर लाने रहेछ कसो खासमै सुरु गर्छ अनि दादा चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के बच्चे खाता उता लेर लगाइदिनु पर्थ्यो रहेछ पाउँदै भएन ल ल सबैजना यहाँ बसेर खानुपर्छ कि अब ल खाना खाना मजाले बिस मजाले बिसलाई आमामा पुरा स्ट्यान्डर्ड रहेछ नि मासु अलग भात अलग दाल अलग यो पिकनिक कसले खिलाउँदैछ मैले त खिलाउँदैछु त्यही भएर कति कतिको डोनेसन दिएको थियो अनि मैले पुरा पुरी 10,000 दिएँ यो र जिरो काम गरेर कोही बात नहीं हम तो चुतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे के खाएको चिकन खाएको ठिक ठिक कहिले के खाएको के खाएको सुन्दर मटन हो के मटन लन्च टाइम छ किस लाग्यो रुप तिमी के खाए चिकन खा रे बड़ी अच्छा मौसम है खाने के साथ साथ स्नोफॉल भी हो रहा है देख सकते हैं अब तक और थाल देखिए साथ साथ हनुमान बना रहे अबे ओ दीवार बढ़िया से क्या करेगा अभी खाना ही पड़ेगा रोज सको ना नहीं तो 500 रुपये दिया है भाई समझ रहे हो आप समझ रहे हो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो थैंक यू गाइस तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था तो काफी रात हो गया है और हम लोग अभी तक घर नहीं गए इसके लिए काफी रात हो गया डांस कर रहा था ना थोड़ा इसलिए सब्जी का भूल गया कि वीडियो बनाना है मुझे तो सॉरी गाइस तो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है बाय